मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपने कर्म भूमि गोरखपुर से सदर से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। आइए हमारे साथ कुछ लोग गोरखपुर के लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं इनको अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं यहाँ से, तो क्या कहेंगे आप यहाँ से? तो और हम लोगों की खुशी की बात है कि यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री, यहाँ से विधायक भी बनेंगे हैं। और कम से कम यहाँ गोरखपुर में जो भी जितने भी भ्रष्टाचार थी ऑल यूपी में ही लगभग लगभग हम जानते हैं कि 95% तो सब खत्म हुआ है। तो इनके आने से उम्मीदें हम लोगों की ये बड़ी है कि हम लोगों की बहन बेटियां से लेके हम लोग भी सुरक्षित हैं। और जो विकास का कार्य वो कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म होगा, यानी कि अभी तक लोगों को यहाँ से जो विधायक थे राधा मोहन दास अग्रवाल, वो यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें बड़ी हैं योगी आदित्यनाथ से। आइए विधायक राधा मोहन दास जी के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने ऐसे काम जो जो अछूते जो नहीं कर पाए पूरा, उनसे क्या क्या कुछ नहीं कर पाया वो? नहीं, हमारे यहाँ के विधायक जो सिटी के थे वो अच्छा काम वो भी किए हैं। आज जब से योगी जी आए हैं शहर का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, इतना किसी शासन में नहीं हुआ था, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, किसी शासन में इतना विकास नहीं हुआ था, तो हमारे लिए बहुत अच्छी की बात है। राधा मोहन का कैसा लगा आपको? नहीं, राधा मोहन दास हमारे यहाँ के विधायक हैं और जो अच्छे प्रत्याशी हैं, हर आदमी से मिलते हैं जुलते हैं, पैदल भी मिलते हैं, काम भी करते हैं। गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात सामने आने पर यहाँ के लोगों में काफी खुशी है, काफी हर्षोल्लास है, लोगों को कहीं ना कहीं अब उम्मीदें बड़ी हैं कि जो रुके हुए काम थे गोरखपुर के वो जरूर ही पूरे होंगे अगर यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायक होते हैं तो। गोरखपुर से पंजाब के सीटीवी के लिए रुद्र प्रताप सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।